एग्जाम्पल नंबर टू द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन जो हमने यहाँ पर डेकोरेटिव ब्लॉक दिख रहा है इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स ये दो सॉलिड से हम देख सकते हैं कि बना हुआ है अवब एंड अमिस्फेयर द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ऑफ क्यूब विद एच फाइव सेंटीमीटर एंड अ हेमिस्फेयर फिक्सड ऑन द टॉप हैज डायमीटर ऑफ फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें यहाँ भी अगर हम टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करें तो सिंपली अगर हम पुराने कंसेप्ट पर जाएंगे तो हमें पता होता है टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया एक सॉलिड का प्लस कर्व सरफेस एरिया दूसरे सॉलिड का लेकिन हमने क्यूब या क्यूबॉयड में तो कोई कर्व सरफेस एरिया पढ़ा ही नहीं था तो एक तरह से अगर हम इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर ले तो ये इस पूरे क्यूब को रिप्रेजेंट करेगा इसके बाद इसके टॉप पे हम इस हेमस्फेयर को रख दें और उसका कर्व सरफेस एरिया देखें तो एक चीज़ हम ये नोटिस करेंगे कि क्यूब अंदर से एक और एरिया को अपने अंदर इंक्लूड कर चुका है दैट इज वो सर्कल का एरिया जो क्यूब के पास पहले से ही प्रेजेंट था उस एरिया को हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होगा यानी कि सबसे पहले हम क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस सर्कल को सर्कल को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम हेमस्फेयर फिट करेंगे तो एक तरह से फिर हम उस पूरे स्ट्रक्चर का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर पा रहे होंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो हमें गिवन है उन्हीं चीज़ों से एक उसे लैंग्वेज में लिख लेते हैं दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द डेकोरेटिव ब्लॉक इक्वल टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब माइनस बेस ऑफ द हेमिसफेयर जो ये हेमिसफेयर यहां पर रखा जाना है अटैच होना है तो अटैच ये सिंपली इस तरह से हो जाएगा लाइक like, अगर हम यहां पर एक कट लगा दें और इस एरिया को बाहर निकाल लें इसके बाद हेमिसफेयर को अटैच कर दें तो ये आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस बेस ऑफ द हेमिस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमेस्फेयर अगर हम टोटल सरफेस एरिया देखें क्यूब का तो वो होता है सिक्स ए स्क्वायर जो कि यहाँ पर हो जाएगा 150 माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर स्क्वायर तो हमारे पास आएगा 150 हंड्रेड प्लस पाई आर स्क्वायर पाई हमें गिवन है क्वेश्चन में वो है 22 टू अपॉइंट सेवन आर यानी कि रेडियस होती है डायमीटर के हाफ तो वो यहाँ पर हो जाएगी फोर पॉइंट टू अपॉन टू तो हमारे पास अब कैलकुलेशंस आएंगी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि उस क्यूब का एरिया था प्लस 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 अपॉन 2 और जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आएगा 13.86 के इक्वल तो हमारा टोटल एरिया हो जाएगा 150 प्लस 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर और वी कैन से 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर तो कॉम्बिनेशन का टोटल सरफेस एरिया निकालना बहुत इजी है बस आपको ये करना है कि आप दो सॉलिड फिगर्स लें इसके बाद जिस जगह से उन दोनों सॉलिड फिगर्स को अटैच कर रहे हैं वहां का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें हटा दें वहां का एरिया जो कि हमने फर्स्ट केस में भी करा था और इस एग्जाम्पल में भी करा है फर्स्ट केस में हमने वो कैसे करा था हमने डायरेक्टली कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया था वरना हम टोटल सरफेस एरिया भी कैलकुलेट कर सकते थे हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला ही इसलिए था क्योंकि हम उन दो चीज़ों को अटैच कर रहे थे तो हम अटैच वाला एरिया बाहर निकाल लेते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस केस में हम देख सकते थे कि एक क्यूब था एक हेमस्फेयर था तो हेमस्फेयर का तो हमने कर्व सरफेस एरिया ले लिया तो एक तरह से ये सर्कल वाला एरिया तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसके बाद हमें यह दिख रहा था कि हम क्यूब को इस एमोस्फेयर से अटैच कर रहे हैं तो ये वाला एरिया दोबारा कवर होगा क्यूब के ये अंदर आ जाएगा तो इसे हम हटा लेते हैं इसे हटाएंगे तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस सर्कल का एरिया फिर हमने दोबारा सब्ट्रैक्ट कर दिया सेम इसी मेथड का यूज करके दैट इज जहाँ भी हम दो फिगर्स को एक जगह अटैच करेंगे और वी कैन से दो सॉलिड्स को एक जगह अटैच करेंगे उस अटैच्ड वाले एरिया को कर देंगे सबट्रैक्ट और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं